okay hello 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 hi everyone welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video today's video may i'm gonna do a very interesting 24 hour glow up but

कोर प्रोडक्ट्स जो लगाती हूँ आई होप दिस हेल्प यू सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स केयर स्टार्टेड। All right. So step one to this very beautiful transformation is to go with my mom to nail lashes salon near my house. And वहाँ हम दोनों ही अपने gel nails कराने गए थे. मेरी mummy, as you can see, बहुत सारे choices देख रही है nail color के. They first start off with buffing everything and अच्छे से shape करते हैं. And simultaneously मेरी mom और मेरा ये सब हो रहा था. कैन सी दिस इज द रेफरेंस इमेज मुझे ऐसे कुछ तड़क भड़क नेल्स कराने इस बार सिद्धार्थ इज जस्ट चूजिंग द नेल शेप एंड जो मेरे नेल बेड पे सही बैठेगा अप्लाई सम ग्लू एंड सारी ये जो नेल एक्सटेंशन हैं वो लगा रहे हैं मेरे नेल्स पे दिस इज सो फनी आई ऑलवेज फाइंड इट सुपर फनी जब इतनी लेंथ के नेल होते हैं आई आस्क फॉर अफ इन शेप एंड दैट इज वॉट ही इज डूइंग दिस इज देंथ वी डिसाइडेड अप ऑन थोड़े से एक बार पहले भी कराया फन जब आपको अपने पैर सुपर प्रिटी दिखाने हो एंड आई एम गोइंग टू अ वेडिंग सो आई जस्ट वेंट फुल आउट इट्स ऑल्सो अ लिटल टीडियस बिकॉज आपकी पोजिशन कुछ पीरियड होती है बट दिस इज देंथ ऑफ द टो नेल वेरी स्केरी जल के बाद नेल्स कुछ ऐसे लगते हैं एंड फॉर माई बेस आई ऑप्टेड फॉर दिस पीचेस न्यूड कलर मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है एंड एज इट इज भी मेरे नेल्स इतने प्यारे लग रहे हैं इस कॉफिन शेप में आपको इसको थोड़ा बेक होने देना है मशीन के अंडर एंड दिस इज द सिचुएशन आई एम इन इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल देन ही टुक आउट हिज मास्टर दिस जेल काइंड ऑफ थिंग जिसमें बहुत ज्यादा ग्लिटर था मुझे काफी सुंदर फ्रेंच ग्लिटर टिप्स चाहिए थी बिकॉज आई टोल्ड सिद्धार्थ धार्ट के मुझे सबसे ज्यादा ग्लिट्सी एंड ग्लिटरी पेंट चाहिए सो दैट इज वॉट इ डेड इन सिल्वर एंड ये टोज में भी ऐसे ग्लिटर छिड़क छिड़क के हमें बेक करना है एंड इट लुक्स वेरी वेरी

ट द सेम डे एंड आई स्ट्रेटेंट टू सुमित जिन्होंने पहले भी मेरा हेयर डिजास्टर बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट किया था सो एज यू वेज हर्ड मेरे नीचे के बाल काफी ज्यादा प्रीलाइटन हो चुके हैं तो उसमें कोई भी कलर चढ़ने में बहुत टाइम लगता सो ही जस्ट इंस्पेक्टेड माई हेयर क्या हालत थी कितना डैमेज ले पाएंगे क्या कलर सूट करेगा आई टोल्ड डिम टू गिव मी द डार्केस्ट लाइक मोस्ट चॉकलेटी कूल टोन ब्राउन एंड हेयर यू सी हिम मिक्सिंग सम एलिमेंट एंड दे ऑल्सो हैव अ मेजरिंग मशीन विच इज सुपर गुड इस ट्रे पे सब कुछ ईजिल अवेलेबल रहता है सो स्टेप वन इज दैट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस मेरे नीचे के प्री लाइटन बालों पर जो आपने देखा था मैंने जब सिल्वर कराया थे उस टाइम उसको बहुत ही ज्यादा डिग्री तक ब्लीच कर दिया था सो देर इज लिटरली नो कलर इन इट सो उसमें उन्होंने थोड़ा सा कलर और बेस क्रिएट करने की कोशिश की देन उसमें इन्होंने थोड़ा सा ये रूज भी मिलाया सो इट मिलायाल्सो हैज लाइक अ टोन टू इट लाइक बालों को अगर ब्राउन करना है तो अंदर थोड़ा सा उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा बेस एंड दैट इज वॉट ही इज डूइंग एक्टली आफ्टर कीपिंग इट फॉर अ वाइल आई वेंट फॉर अ वॉश एंड यू कैन इंस्टेंटली सी दैट बालों के अंदर थोड़ा सा बेस कलर आ गया है एंड दे डोंट लुक एकदम येलो इट लुक्स अ लिटिल गोल्डन नाउ विच इज ग्रेट देन द ब्लोर में हेयर एंड स्टार्टेड मिक्सिंग सम मोर कलर्स जो कि था एक इंटेंस डीप डार्क ब्राउन इसको हमने पूरी मेरी लेंस पे लगाया ही स्टार्टेड विद द टिप्स एंड देन यू कैन सी द टाइमर इन्होंने आई थिंक 40 मिनट्स के लिए मेरे बालों में ये कलर रखा था फॉर इट टू डिपॉजिट प्रॉपरली एंड साइड बाय साइड ओ माय गॉड माय मॉम वाज लुकिंग सुपर क्यूट लुक एट हर ओ माय गॉड आई एम जस्ट इन्जॉइंग एंड जस्ट यू नो मेकिंग फन ऑफ हर विच इज़ आर टोटल डायनामिक बट उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट कराया रूट टच अप एंड जस्ट मेक श्योर की आ वहां जाओ यू हैव इनफ टाइम यू हैव समू गेट यू स्नैक्स एंड टू कीप यू कंपनी ईशान हेल्प मी अट वाइल फिल्मिंग दिस होल थिंग एंड यहां मेरे मोम का और मेरा हेयर वॉश हो रहा है उनका रूट टचअ अप हो रहा था एंड देन यू कैन सी सुमित जस्ट एनालाइजिंग माई हेयर आई ऑल्सो वेंट फॉर दिस इनोलक्स ट्रीटमेंट विच इज सिमिलर टू द वेल नोन ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट इन द सेंस दैट अगर आपके बहुत ज्यादा ब्लीच बाल है ना वो उसके बॉन्डस को रीबिल्ड करता है एंड अगर आपके बाल काफी वीक है फ्रॉम एक्सट्रीम केमिकल डैमेज या फिर हीट तो उसको ठीक करता है एंड इट जस्ट ओवरऑल इम्प्रूव द टेक्सर एंड आई रियली वॉन्टेड इट बिकॉज आपने मेरे बालों का हाल तो देख ही लिया होगा दिस इज वॉट माई एयर ड्राइड हेयर लुक्स लाइक आई एबसोल्यूटलीव द कलर उन्होंने मेरे बाल थोड़े ब्लो ड्राई किए एंड हेयर वे जस्ट ट्राइंग टू सी हर एंगल से बाल कैसे लग रहे हैं बट दिस इज द फाइनल लुक होल्का सा इसमें वॉर्म लग रहा है बट इन पर्सन इट लुक्स लाइक अ कूल टोन ब्राउन बट आई रियली लाइक इसमें एक ऑमरे इफेक्ट आया है एंड दैट हार्श लाइन जो मेरे पहले हेयर डिजास्टर की थी दैट इज कम्प्लीटली गॉन आई एम सो हैपी दम आउट ऑफ दिस हेयर डैमेज कंट्रोल स्टेट बट या आई फील लाइक मेरे पैसे स्ट्रेट स्लीक हेयर विद दिस वेरी ब्यूटिफुल चॉकलेटी कॉफी ब्राउन बहुत अच्छा लग रहा है And this is what my hair looks like in normal natural lighting, which is super cute.

अभी मिडवे ही है हम इस uh, पूरे ग्लोअप के बाद आई लुक सो डिफरेंट from when i started this vlog and i absolutely love it finally like bal karane ke i just felt like a weight has lifted off my shoulders off my head and my whole body i just really wanted to feel like myself and uh, this time i went there uh, noise salon me and i asked sumit please give me a deep intense chocolate brown color and i just don't want keneche mire tones eye if you could just really balance it out i think it only gets better with him and noise salon

वेरी न्यूट बेस विद दिस इंटेंस ग्लिटर होती हैं आई थिंक वो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज तक चल जाती है एंड आई वॉन्टेड हेवी ड्यूटी लाइट दिस टाइम सिंस वेडिंग होगी मुझे फेक लैशेज लगाना नहीं आता um, अभी मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है एंड आई एम गोइंग टू गेट माई लैशेड डन ऑल्सो माई मॉम गॉड कैरेटिन इंस्टेड ऑफ स्मूदनिंग हर एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस उनका जो हेयर ट्रीटमेंट है वो प्रशांत कर रहे थे फ्रॉ नॉर्थ लॉन एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी लाइक कूल अबाउट एवरीथिंग एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड के मम्मी को स्मूदनिंग की जगह कैरेटिन के लिए जाना चाहिए कंसिडरिंग uh, हर फेस स्ट्रक्चर अगर स्मूदनिंग होगी तो बहुत ही चंपू बाल हो जाएंगे सो so, आज उनका वॉश होना सो so आपको जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ उस जगह के रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं मेरे से कि क्या हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एज अ कस्टमर सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो एंड कंटिन्यू विद दिस वेडिंग लोअप ऑल राइट सो वॉइस वर्की इज बैक अगेन आई वेंट टू ने लैशेज स्टूडियो एंड वहां से मैं लैशेज कराने आई थी बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू जस्ट पंप अप दिस लुक दिस प्रोसीजर इज अ लिटल टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉम्प्लीकेटेड दे फर्स्ट अप्लाई टेप टू योर लैशेज लोअर लैश लाइन पे ताकि जब वो ग्लू अप्प्लाई करे एक, एक बाल को लगा के तो वो आपके नीचे ना चली जाए आपकी आंखें चिपक ना जाए बेसिकली एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंट्रिकेसी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क होता है एंड द गर्ल हुड डेड माई लैशेज वॉच सुपर इंटू इट लाइक उसको बहुत नॉलेज थी शी ऑल्सो फैन ताकि मेरी बॉडी की हीट से उनका ग्लो रिएक्ट ना करे एंड मेरी आंखें वॉटर टू अवॉइड एनी ऑफ़ लिक्विड एंड वॉटर या फिर रोना धोना वेन यू अप्लाई लाश फॉर लाइक ट्वेंटी फोर आवर्स सो है यू कैन जस्ट सी के वो एक एक बाल उस ट्रिप से लेके मेरी नेचुरल लैशेज के साथ जोड़ रही है मेरी अपर लाश लाइन पे एंड दिस इज नॉट वन आई लुक्स लाइक अ ड्रास्टिक डिफरेंस एंड देन शी इज जस्ट मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट लाश लाइन ंग यू गाइज ये वाला जो फैन है दैट इज गॉड सेंट लाइक उसी से सारी हीट चली जाती है एंड शी डिड अ वेरी गुड जॉब मैंने ऑप्ट किया था फॉर द कैट आई लुक दे ऑल्सो हैड दिस डॉल आई लैश बट मुझे कैट आई eye मेरी आईज के लिए ज्यादा बेटर लगा दिस होल प्रोसीजर टुक वन आर एंड दिस इज माई रिएक्शन आफ्टर गेटिंग दिस डन दिस इज माई बिफोर लैशेज जो की काफी नेग्लेजेबल है दिस इज सो फनी एंड दिस इज आफ्टर सच क्यूट क्यूट आईज मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मेकअप जब मेरा पूरा एक लुक होगा ना वेडिंग का वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा एंड आई एपसल्यूटली लव इट जिन जिन आर्टिस्ट ने मेरे नेल्स किए हैं हेयर किए हैं और लैशेज किए हैं उन सबकी डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी देन वी स्ट्रेट अमे वेट टू नॉयसलॉन अगेनो वेट अ सब्सक्राइबर वी एक्चुअली मेट टू सब्सक्राइबर्स देर जो कि मेरी वीडियो देख के आए थे एंड आई जस्ट फेल सुपर प्राउड बट हेर शी इज हैविंग हर ब्लो ड्राई एंड देन प्रशांत ने उन्हें हल्का सा एक कट भी दिया

आपको अपना लास्ट पार्ट में अनस्पॉन्सर्ड स्किन के रूटीन दिखाने वाली हूँ यूगा स्किन सी मैंने बहुत कुछ यहाँ पे निकाला my, my uh, के रूटीन इज अटल एक्सटेंसिव दैट माई फेस ड्राई लैशेज के अराउंड मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है उन्होंने बोला था हल किसे ऐसे पैट करना है एंड यू डोंट हैव टू रब यूर आइज बिकॉज ये झड़ती रहती है कल से लेकर अब तक मेरी दो लैशेज झड़ चुकी है इस आई की एंड इट्स अ लिटल लाइक मुझे लग रहा है वेडिंग तक सारी ना झड़ जाए सो आई विल कीप यूज की एक्चुअल में कितना देर लास्ट करती है बिकॉज बोलते तो हैं कि यह बीस पच्चीस दिन लोगों की चल जाती है सो आई जस्ट रियली वो नो इफ इट सूट्स मी और नॉट माई टू फेवरेट फेस वॉशेज आज मैंने इससे मूव है दिस इज बाय कॉसारिक्स इट्स जैलिसिक एसिड डेली जेंटल क्लेंजर सो इसमें सेलिसिक है विच इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर ऑयली स्किन पीपल जिनके बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स जाते हैं जिनके स्किन और पोर्स बहुत जल्दी ऑयल और डर्ट से क्लॉग हो जाते हैं सो सैलिसिकसिडाइक बी एक ए है जो आपकी स्किन में अंदर जाके सारा गंक निकालता है एंड सिंस इट इज़ सुपर जेंटल ऑन द स्किन अगर आप एक बिगिनर हो एंड ऐसे एक्टिव इंग्रीडियंट्स धीरे धीरे अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हैं आई फील लाइक हैविंग अन ए एच ए और बी एच ए फेस वॉश शुड बी ऑर फर्स्ट स्टेप बिफोर यू जस्ट टोटली जंप ऑन इन टू केमिकल पीलिंग एंड स्टफ सो ये वाला मैंने सबसे पहले यूज

डेफिनेट कि बस मैं सालों साल यही यूज करती रहूंगी बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट माई लाइफ दिस इज क्रिस्टल इतना कुछ नहीं करती है बट आई जेंटली लाइक टू टेक टू थ्री ड्रॉप एंड पैटेड ऑन टू माई स्किन आई हैव क्लियरलीब्सर्विजिबल डिफरेंस इन माई स्किन इन द सेंस दैट इट फील्स हाइड्रेटेड एंड काफी अच्छा एक जेन्यली लव के ऊपर कुछ भी लगाने से पहले आई विट दिस सिट एंड इन टू माई स्किन एंड तब तक मैं एक लिप स्क्रब यूज करने वाली हूँ दिस आई डोंट यूज ऑन द डेली बट मैंने सिंसियर मंगाया है दिस इज फ्रॉम जेफरी स्टार कॉस्मेटिक्स इन आइका पे अवेलेबल है एंड आई हैव ऑर्डर इट इन द शेड रेस्ट वेरी आई थिंक दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक एंड इट मेल सुपर यमी इफ़ यू आर अ सकर फॉर शुगर एंड ऑल आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड या yeah, इसको मैंने थोड़ा टेस्ट भी किया इट्स जस्ट सो गुड सो हल्का सा मैं इसको अपने लिप्स पे लगा के स्क्रब करने वाली हूँ

ट्रस्ट मी मैं काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगी हूँ ये वाला जो सीरम है आई थिंक इसकी कोलाब मुझे लास्ट ईयर आई थी एंड तब से अब तक आई बॉट लाइक फोर बॉटल्स कम्पलीटेड एंड फुली एंड ये मेरी आई थिंक फिफ्थ बॉटल है बट but... दिस जस्ट लिटरली गिव मी दैट हाइड्रेशन जब भी आप एक हाइलेनोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट लगाते हैं यू हैव टू लॉक इट इन यूर स्किन विद मॉइस्चराइजर एज वेल एज अ सनस्क्रीन अगर आप डे टाइम पे आउट जा रहे हो तो अभी मैं फिलहाल दो तरह के मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ आई आल्टरट बिटवी दम द फर्स्ट वन इज दिस लॉरियाल जेलरी वाइटलिफ्ट इसके अंदर सैलिसलिक एसिड है एंड दन इज फ्राम अर्थ रिदम इट्स देयर हाइड्रासर्ज थिंगी सो आई थिंक आज मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ बिकॉज um, बहुत ज्यादा लॉरियल हो रहा है एंड इसका टेक्स्चर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड अगेन इसमें बहुत ही

बहुत अच्छी है फॉर लाइक like, अगर आपकी आइज के नीचे बहुत जल्दी ड्राइनेस हो जाती है या फिर डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे फेड कर देती है एंड आई ऑल्सो यूज दिस एट नाइट दिस इज सेंटेला ब्लेमिश क्रीम इसको मैं डे टाइम पे भी यूज़ कर सकती हूँ बट बेसिकली इट्स टू फेड अवे ऑर एक्ने जो जिद्दी एक्ने स्काज होते हैं और आपकी स्किन का ओवरऑल टेक्सचर बहुत इंप्रूव करती है ये इसको तो ज्यादा शेयर भी नहीं करती एक दो बार इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डाला होगा बट दिस इज जस्ट माई यू नो एक दिल का टुकड़ा सीक्रेट बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज अ गेम चेंजर एंड सनस्क्रीन आपको काफ़ी ज़्यादा लेना होता है लाइफ में लाइक यू नीड द होल ब्रॉड स्पेक्ट्रम थिंग एंड पूरा सन प्रोटेक्शन चाहिए होता है तो so, जितनी भी लेयर्स मुझे अपनी स्किन पे लगानी थी वो मैंने लगा ली है फॉर द डे एंड फाइनली आई कैन वेयर माई चश्मा दिस इज वॉट माई स्किन लुक्स लाइक नो फिल्टर यहाँ थोड़े थोड़े मार्क्स हैं बट दे आर गेटिंग बेटर द लास्ट स्टेप इज दिस लिबाम राइट हेयर आई एम यूजिंग प्लम का कैंडी मेल्ट लिबाम आई थिंक ये वाटरमेलन वाले वेरियंट में है दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड इट्स एक्चुअली डूप फॉर लनेश का जो लिप स्लीपिंग मास्क है इसका टेक्स्चर उसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है सो जस्ट अपलाइंग दिस तो यूजली क्या होता है रात को तो मैं ऐसे ही दो तीन प्रोडक्ट स्विच करके सो जाती हूँ बट फॉर लिप्स आई जस्ट कीप दिस लिप बाम एंड स्लीप लेकिन दिन के टाइम पर मुझे थोड़ा सा फ्लश ऑफ कलर अपने पास पंदेंटेड लिपी पकेट ये वाला मैंने आपको अपने शायद नायका हॉल में दिखाया था बिकॉज दिस इज सच एन अमेजिंग टेंट फॉर इंडियन स्किन टोन यू वेस्किन सीज में मैंने बहुत बड़ा डेंट मारा हुआ है बिकॉज मैं इसको रोज़ यूज़ करती हूँ सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू शो विद लॉन्ग नेल्स बट इतना सा टेंट की आपको जरूरत होती है एंड इसको आप अपने लिप बाम के ऊपर लगा सकते हो जस्ट मिक्स इट ऐसे एंड जो लेफ्ट ओवर है उसके दो ड्रॉप्स मैं अपने चीक्स पे ऐसे लगा देती हूँ एंड आई जस्ट लाइक टू स्मज इट ऐसे बिकॉज ये लिप एंड चीक टिंट है तो आप इसको अपने चीक्स पे भी लगा सकते हो यू कैन सी हल्का सा पिंकिश टिंट आ गया मेरे लिप्स ज्यादा पहले से बेटर लग रहे हैं एंड दिस इज माई लिटरल लाइक ऑटम विंटर लुक लाइक मैं ऐसे ही बाहर जाती हूँ आई डोंट पुट एनी मेकअप सनस्क्रीन सन प्रोटेक्शन तो हो जाता है एंड हल्का सा टेंट आपकी लाइफ पूरी बदल सकता है लाइक इट गिवस दैट लाइफ टू योर फेस एंड देट इज़ अबाउट इट फॉर टू डेज विड यू गायज एज प्रोमिस्ड आई शेयर माई अनस्पॉन्सर्ड स्किन के रूटीन विद यू गाइज एंड मैंने अपना पूरा लुक ऑलमोस्ट चेंज कर दिया लाइक हेयर मेक्स सो मच डिफरेंस आई लाइक इट अ लॉट बट आई होप यू गाइज इंजॉयड दिस ग्लो अप आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट टाइम जो ग्लोअ अप हो ना उसमें थोड़ा इनर सेल्फ का भी थोड़ा ग्लो अप हो लाइक आई रीड सम

तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो और वीडियोस चेकआउट करना एंड आगे की फ्यूचर वीडियोस भी देखना काफी मजा आने वाला है एंड यू कैन अलसो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द रेड डाइट करके मिस और आई विल सी यू गैस नेक्स्ट टाइम बाय